तो दोस्तों कुछ आपको इस तरह की देखने को मिलती है स्कॉर्पियो जेट 4 मॉडल की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वे, स्वागत करता हूं आपका एसएस ऑटोमोटिव में। तो आपके सामने खड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो का जेट 4 2024 वेरिएंट, इसी का यार रिव्यू किया जाएगा। एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स ऑन रोड प्राइसिंग के साथ साथ ये भी बात कहेंगे कि इस वेरियंट को हमें क्यों लेना चाहिए। देखो भाई, अगर आपके पास पैसे अच्छे खासे हैं तो इस वेरिएंट को ले सकते हो, लेकिन मुझे ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसलिए लगता है क्योंकि स्कॉर्पियो पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नॉर्मल आप यूज़ के लिए लेना चाहते हो, जैसे बहुत सारे लोग ऑफ रोडिंग करने के लिए लेते हैं, भौकाल दिखाने के लिए लेते हैं, तो भाई भौकाल दिखाने के लिए ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा सही है क्योंकि भाई इस वेरिएंट में सब कुछ मिल जाता है, सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और प्राइसिंग भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है। क्रेटा वेटा के प्राइसिंग में आपको देखने को मिल जाती है, बड़ी गाड़ी मिलती है, डीजल इंजन बड़ा मिल जाता है। तो भाई टॉप मॉडल में तो बड़ा वाला डीजल इंजन मिलता है, लेकिन इसमें आपको पावर थोड़ी सी कम जरूर मिलती है, लेकिन यह भौकाल पूरा मिलता है इस वेरिएंट में भी। अच्छी बात यह है कि अगर आप इसके नीचे का वेरिएंट लेने जाते हो, जैसे जेट 2 या जेट 2 ई लेने जाते हो, तो तकरीबन आपको 1.25 लाख रुपए का फर्क हो जाता है, सस्ता पड़ता है। लेकिन यार वो उसमें कुछ ऐसे एसेंशियल फीचर्स भी कम हो जाते हैं, लेकिन इस वेरिएंट में जरूरत के जितने भी फीचर्स हैं सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे थोड़ा सा और ऊपर जाकर के जेट 6 वेरिएंट ले लें, तो हाँ उसमें भी आप ले सकते हो, तकरीबन 97-98 हज़ार रुपये ज़्यादा देने पड़ सकते हैं, लेकिन एक सनरूफ ही आपको ऐसा फीचर्स देखने को मिल जाता है। अगर नीचे जाते हो तो क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स नहीं मिलते, ऊपर जाते हो तो सनरूफ बस एक आपको देखने को मिलता है। तो भाई सनरूफ का अगर आपको ज़्यादा यूज लगता है तो आप ले सकते हो इसके ऊपर का वेरिएंट, लेकिन मुझे लगता है कि सनरूफ जैसे स्कॉर्पियो इसी गाड़ी में सनरूफ का क्या यूज़, भाई भौकाल दिखाना है अपना, सनरूफ ले क्या करोगे। तो ये वेरिएंट इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। देखो भाई, ना ही ऊपर के वेरिएंट ना ही नीचे के वेरिएंट पे अलॉय मिलते हैं, सब में अलॉय मिलते ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है बहुत ज़्यादा पैसे इसमें डालने का। तो ये वेरिएंट है जिसमें एसेंशियल फीचर्स मिल जाते हैं, जो पैसे आप इसके ऊपर का वेरिएंट लोगे वो पैसे बचा करके आप इसमें अलॉय व्हील्स वगैरह डला लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रंट का आप हेडलैम्प वगैरह चेंज करा लोगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे हिसाब से ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है क्योंकि एसेंशियल जितने भी फीचर्स आपको सारे इसमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ, दिखाने से पहले मैं इसकी ऑन रोड प्राइसिंग की बात करूँ, जेट 4 डीजल के ऑन रोड प्राइसिंग की बात करूँ, तो ये आपको अप्रॉक्स 19 लाख रुपये में आपको सरदार मोटर गोरखपुर यूपी पे देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी। अब चलिए चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और बताता हूँ क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। हम सबसे पहले बात करें तो डोर हैंडल्स वगैरह आप देख सकते हो बॉडी कलर में ही इस वेरिएंट में देखने को मिलते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। डोर भाई काफ़ी हैवी लगता है, बहुत हैवी है डोर सच में। देखो कितना वाइड भी ओपन हो रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ग्लास एरिया इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा शानदार आपको मिलता है, बड़े साइज का ग्लास एरिया है। क्वालिटी वगैरह भी आपको प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से सही मिल जाती है। लॉक अनलॉक मिल जाता है, विंडो ओआरवी के सारे कंट्रोल आर्टिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों ही विंडो मिलते हैं। नीचे आपको बॉटल होल्डर्स और स्पीकर वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। इंटीरियर आपको डुअल टोन मिलता है कुछ इस तरह का, स्कॉर्पियो एंड जेट 4 2024 का शानदार आपको इंटीरियर भी देखने को मिलता है। नीचे आएंगे तो हाइट एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिल जाता है, मैनुअली मिलता है, सीट एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिल जाता है। इधर आएंगे तो हेडलैम्प लेवलर भी आपको मिल जाता है, हेडलैम्प कंट्रोल कर सकते हो। और बाकी अगर बात करें तो अब चलते हैं इसके की लगाते हैं पहले, उसके बाद इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं, अंदर चल करके सारे फीचर्स को मैं दिखाता हूँ क्या क्या फीचर्स इस वेरियंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ ग्रैब कीजिए, आराम से गाड़ी पर बैठ जाइए। इस गाड़ी में बैठने का यार एक अलग सुख है, जब आप इस गाड़ी में बैठोगे ना, जितनी भी जो ये वेरिएंट जो है ना आपका काफ़ी अच्छा खासा वेरिएंट है जिसमें आपने क्रेटा और सेल्टोस के प्राइस ब्रैकेट में आ जाता है, लेकिन जब इस गाड़ी में आप बैठोगे, फीचर्स थोड़े कम मिलेंगे उनसे ज़रूर, लेकिन इस गाड़ी में जब आप बैठोगे ना तो सारे फीचर्स भूल जाओगे जो मिलते थे। भाई साहब बैठने के बाद इतना गजब पोजीशन आपको फील हो रही है ना, जिससे लग रहा है कि आप एकदम राजा हो, रोड के राजा हो और एकदम ऊंचे ऊंचे चल रहे हो, रोड के राजा हो, यही है इस गाड़ी की असली खासियत। फिलहाल अगर देखो इंटीरियर किस टाइप का मिलता है इस वेरिएंट में भी सेम आपको मिलता है, ये सब आपको प्लास्टिक से टच मिलता है। खैर अगर बात करें, शुरुआत करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। पहले स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो आपको टिल्ट आपको देखने को मिल जाता है, रीच आपको देखने को नहीं मिलता है। और अगर स्टीयरिंग व्हील पे कोई भी लेदर ट्रीटमेंट इस वेरिएंट पे नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको माउंटेड कंट्रोल वगैरह मिल जाता है कॉल वगैरह के या फिर म्यूजिक वगैरह के। इधर आपको एक चीज़ अच्छी बात यह है कि इस वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल जैसी सुविधाएं देखने को मिल जाती है, जो एक बहुत अच्छा काम किया महिंद्रा ने इस वेरिएंट में दिया, और ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो जाता है यार, कुछ दो तीन चीज़ें चेंज कर दो तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। बीच में महिंद्रा का लोगो मिल जाता है इसको, चलिए अब इसके उसको पहले ऑन कर लेते हैं, देख लो भाई। देखो भाई एनालॉग में ही आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका देखने को मिल जाता है, बीच में MID मिल जाती है, MID का फुल कंट्रोल आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, सीट बेल्ट का वगैरह का, जो भी डोर ओपन ये पीछे की टेल गेट ओपन है तो ये आपको दिखा रहा है, फुल इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं है। एनालॉग वाली फीलिंग आती है भाई, इतनी बड़ी दमदार प्रोडक्ट लेकर चल रहे हो तो एनालॉग का फीलिंग कुछ अलग ही लेवल का होगा।
इधर आएंगे तो आपको यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, देख सकते हैं जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ, रेडियो, सब 8 इंच का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, जो हर तरह की सुविधा देता है, बहुत सही है ये। यहाँ से आप होम पे जा सकते हो, मतलब ठीक है, टच वगैरह सही आपको देखने को मिल जाता है। देखो ये पूरा टच है, टच की क्वालिटी वगैरह आपको काफ़ी सही मिलती है और काफ़ी यहाँ ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। तो ये चीज़ है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का। नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैनुअली आपको एसी देखने को मिल जाता है, आइडियल स्टार्ट ऑफ, हजार एमबी कंट्रोल मिल जाते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एयरबैग ऑफ ऑन का सिस्टम आपको जो है, 2 USB मिल जाता है, 1 AUX केबल मिल जाता है, अपना फ़ोन वगैरह आप रख सकते हो यहाँ पे, फ़ोन वगैरह आप रख सकते हो, अच्छा खासा जगह है। रियर कैमरे की क्वालिटी अगर मैं आपको चेक कराऊं तो इसमें कोई भी रियर कैमरा देखने को नहीं मिलता, आप देख सकते हो इस वेरिएंट में, इसके ऊपर के वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। 6 स्पीड आपको मैनुअल ट्रांसमिशन है ये वेरिएंट। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिलता है, यहाँ पे आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। सीट की क्वालिटी ठीक है, फ्रंट सीट काफ़ी कम्फर्टेबल सीट है, फैब्रिक में ही आपको इस वेरियंट में मिलता है, लेकिन हाँ मज़ेदार सीट है, बैठने में आपको मज़ा आएगा। मतलब बॉक्स भी ठीक ठाक साइज़ का आपको देखने को मिल जाता है, क्वालिटी ठीक है प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं, कोई भी वारंटी वगैरह तो देखने को नहीं मिलता है। यहाँ भी आपको IRBMs यहाँ पे आपको मैनुअली देखने को मिल जाता है, सनग्लास होल्डर भी आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ आपको वारंटी मिरर देखने को नहीं मिलता है। बाकी ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक रीडिंग लैंप मिल जाता है, LED बेस। ठीक है यार, जो जितने जरूरत की चीज़ें हैं वो तो आपको देखने को मिली जाती हैं, बस एक आध दो चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि भाई वेरिएंट नीचे वाला है तो जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा। तो और सारी चीज़ें भाई कंफर्ट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, थाई सपोर्ट वगैरह आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, फ्रंट में तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अब चलिए उतरते हैं और भी चीज़ें चल के देखते हैं। इस गाड़ी का कोई भी वेरिएंट ले लो, ये गाड़ी फुल मज़ा देती है। अगर आप यार ऊंचे ऊंचे बैठने के शौकीन हो तो ये गाड़ी ले लो आराम से, इस बजट में दूसरी कोई गाड़ी आपको ये फीचर्स नहीं देती है। लेंथ की बात करें तो 4662 mm की मिलती है, विड्थ की बात करें 1917 mm की मिलती है, हाइट की बात करें तो 1857 mm की मिलती है, व्हील बेस की बात करें तो 2750 mm की व्हील बेस इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है। क्लैडिंग आपको चारों ओर देखने को मिल जाती है, व्हील आज थाकड़ मिलता है, यहाँ पे आएंगे सस्पेंशन तगड़े वाले मिलते हैं। टायर साइज की अगर बात करें तो इसमें आपको 245/65 और 17 इंच के आपको स्टील लेंस मिलते हैं, व्हील कैप के साथ ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा शानदार मिल जाती है, रेडिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल वाले बेंच, टर्न इंडिकेटर के साथ आपको मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। पीछे का डोर देखते हैं भाई, काफी हैवी है ये चीज तो है भाई। साइड से देखो गाड़ी कितनी ज़्यादा शानदार लगती है, देख रहे हो ऊपर रूफ रेल वगैरह मिलती है, ग्लास एरिया देखो कितना बड़ा मिलता है, थर्ड रो का देखो रूफ रेल वगैरह यार काफ़ी शानदार, आपका हाथ ही नहीं पहुँचे अगर आप थोड़ी आपकी हाइट अगर 5.5 फीट से कम है तो। ये चीज़ है भाई, अगर यहाँ पर बात करें तो देख रहे हो सेकेंड रो का डोर कितना वाइड ओपन होता है, ग्लास एरिया भाई साहब देखो कितना बड़ा आपको मिलता है, देख रहे हो क्या शानदार आपको ग्लास एरिया मिलता है। क्वालिटी वगैरह प्राइस वगैरह के हिसाब से ठीक है, लॉक अनलॉक विंडो के कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, बाकी आपको सॉफ्ट टच और यहाँ पे आपको स्पीकर वगैरह मिलते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं फैब्रिक में है लेकिन एडजस्टेबल है। गाड़ी के अंदर आइए बैठते हैं, उसकी बात करते हैं और भी क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में देखने को मिल जाती हैं। तो भाई बैठने में काफ़ी ज़्यादा आप मज़ा आता है भाई इस गाड़ी में, थाई सपोर्ट हो गया, लेग रूम वगैरह काफ़ी सही है, ये सीट पूरी पीछे है, इसके बाद वो देख रहे हो क्या लेग रूम मिल रहा है, तो यही चीज़ इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है। सेकेंड रो की सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, थाई सपोर्ट वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप सेकेंड रो की सीट पे बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, दो एक फिक्स मिलता है, आर्मरेस्ट की भी सुविधा आपको देखने को मिल जाती है इस वेरियंट में, प्लास्टिक है इसलिए निकल नहीं रहा है, प्लास्टिक लगा हुआ है, आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है। अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है दोनों ही ओर, बीच में आपको रियर एसी वेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं जिसके कंट्रोल यहाँ पे हैं, और एक आपको सी टाइप चार्जर भी देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह का आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, देख सकते हैं आप, इधर आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, LED बेस ही मिलता है। थर्ड रो की सीट की बात करें तो पूरी तरीके से फोल्ड है, इसको अनफोल्ड कर सकते हैं, बाकी ठीक ठाक आपको साइज मिल जाता है, बूट स्पेस भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। यहाँ देखिए व्हील कैप यहाँ पे रखा हुआ है, जब गाड़ी आप परचेस करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा, तो ठीक है। थर्ड रो की सीट भी ठीक ठाक मिल जाता है, थर्ड रो में AC वेंट्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते हैं कहीं भी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। ज़्यादातर स्कॉर्पियो एन में आप लोग थर्ड रो फोल्ड करके ही रखते हो, क्योंकि यार सेकेंड रो में जो मज़ा है बैठ करके जाने में वो तो अलग मज़ा है। खैर उसको बूट के लिए यूज़ करिए तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर भी रहेगा, जो चीज़ सही है। आइए और भी चीज़ें
देखते हैं क्या क्या चीज़ और मिलती है। लेकिन एन की एक बात मुझे बहुत सही लगी कि इसका सेकंड रो का जो कंफर्ट है वो सही है यार, अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाता है गाड़ी के हिसाब से। पीछे की बात करें तो नीचे आएंगे तो यहाँ आप देखिए यार, कार्बन बैक में आपको बम्पर मिल जाता है, पार्किंग सेंसर्स वगैरह आपको दो ही देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे रियर फॉग लैंप वगैरह देखने को मिल जाता है, और ये टेल लैंप आपको LED बेस ही मिलता है, फ्लोटिंग वाला इंडिकेटर मिल जाता है, स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो, वाइपर आपको मिल जाता है, डी फॉगर मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, सार्कफिन एंटीना जैसे फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। भाई ऐसी जगह ये गाड़ी खड़ी है कि इसके टेल गेट को ओपन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पीछे देख रहे हो भाई, देखो देखो अपनी मजबूरी समझो भाई, नहीं खोला जा सकता इसको। कोई बात नहीं, पीछे से मैंने दिखा दिया है। वैसे अगर बात करें साइड से गाड़ी काफ़ी शानदार लगती है। अगर मैं बात करूँ फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, 57 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाती है। अगर यह पीछे की सीट को आप फोल्ड कर देते हो तो इस गाड़ी में आपको 460 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। भाई काफ़ी तगड़ा बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, जो एक बहुत अच्छी बात है। लुक वाइज गाड़ी काफ़ी शानदार, देख रहे हो लुक में कितनी धांसू लग रही है गाड़ी, क्या गजब का लुक आ रहा है। तो भाई कोई भी वेरिएंट लो, इस गाड़ी का लुक से आप कभी भी कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसका लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को आता है। हैलोजन में हेडलैम्प मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें मिलती हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलती है। मैं तो कहूँगा अगर आप पावर के शौकीन हो तो इसका पेट्रोल इंजन ले लो भाई, 200 PS की पावर देगा। इस बजट में आपको वो इंजन जो मतलब यार ड्राइवेबिलिटी का शौक है ना अगर आपका, तो वो इंजन आपको असली मज़ा देगा। डीजल इंजन में अगर बात करें तो डीजल इंजन आपको उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, थोड़ा सा छोटा इंजन आपको देखने को, इंजन की साइज तो सेम मिलेगी लेकिन आपको कहीं ना कहीं पावर आपको कम मिलेगा। फॉग लैंप वगैरह नहीं आता है, लोअर ग्रिल आपको कार्बन ब्लैक में मिलती है, हैलोजन बेस आपको हेडलैम्प मिलता है, इंडिकेटर भी हैलोजन बेस मिलता है, ग्रिल वगैरह पे आपको सिल्वर फिनिश मिलती है, बीच में महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। अगर बात करें टॉप मॉडल की तो आपको और भी चीज़ें मिल जाती है, वाइपर वगैरह खैर देखने को मिलता ही मिलता है। अगर इंजन ऑप्शन की मैं बात कर रहा था, इंजन ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यार 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, वो जो 130 PS की पावर देता है, वहीं पर 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि अगर बात करें तो इस गाड़ी के हिसाब से थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन चलाओगे तो हो सके इसके आदि हो जाओ। लेकिन फिलहाल अगर बात करो जो इसका यार तगड़ा वाला इंजन है ना, वो गजब की पावर देता है, मजा आ जाता है। तो ये चीज गाड़ी की खासियत है। तो दोस्तों ये रहा महिंद्रा स्कॉर्पियो Z4 2024 का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।